शेखर भैया, बाबू भैया, ये भाई भी है, तो उन्होंने जो आप दोनों ने जो एक्सपीरियंस साझा किया, मुझे लगता है कि मतलब मैं आपकी कोई बड़ाई नहीं करूँगा, लेकिन जो आज तक मैंने जितने भी सारे इंटरव्यू किए, तो उसमें जो नए लोगों के लिए जो संदेश देना चाहिए था अभी तक, वो शायद मुझे आपके माध्यम से मेरे व्यूअर्स को मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है। और काफ़ी अच्छे से आपने जो एक्सपीरियंस किया, एकदम बारीकाई जो भी छोटी छोटी चीज़ें वो आपने शेयर की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं एक लास्ट और क्वेश्चन करना चाहूँगा, जैसे आगे अगर आप तीनों मिलकर एक घोड़ी पाल रहे, तो आगे आपका क्या विचार है कि आगे आप किस ब्रीड के दिशा में जाना चाहोगे, या आप कुछ जैसा खुद के घोड़िया लेके बच्चे निकाल के उनको सेल करने के नहीं, क्या विचार है आपका इसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमें। हमारा सेल परचेस का तो ऐसा कुछ है नहीं, हाँ हाँ। उसमें जाने का कुछ है नहीं, हाँ। सर हमें बहुत सारी चीजें देखने, हाँ। हम यंगस्टर है और हमने हम लोगों ने केशव सर को जबान दी थी, हाँ हाँ। पहले ही बताया था बिल्कुल, केशव सर हम बस राइडिंग के पर्पज से, हाँ। और एक घोड़ा अश्व प्रेमी पाल के देखना है घोड़ा होता क्या है, उस तरीके से हम लोगों ने इस लाइन में हम लोग आए थे। लेकिन अभी बीते कुछ दिनों से हम लोगों का चल रहा है कि हमें जो एक्सपीरियंस मिला है, जो हम लोगों ने फेस किया है ना, तो उसको कम करने के लिए, या फिर उसको समझ लो ऐसा कि बहुत सारे लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ट्रेस फ्री करने के लिए बोल सकते हैं अपन। तो अगर बॉम्बे साइड में कोई घोड़ा लेने का सोच रहा है, तो हम लोगों ने तो उसको आपके वीडियो में ही बताया, हाँ। कि भाई पहले तो आप जगह का बंदोबस्त कर लो, बिल्कुल, अगर जगह है तो ही घोड़ा लेना, और अगर खाना टाइम टू टाइम दे सकते हो तो ही घोड़ा लेना, अगर नहीं लोगे तो भी कोई बात नहीं। दो पॉइंट है भाऊ, एक तो जगह, हाँ। और एक तो आपके पास अगर खुद के पास टाइम है, हाँ, तो ही लेना चाहिए घोड़ा, तो ही लीजिए, और एल्स मैं तो बोलूंगा मत लीजिए, यानी केयर टेकर के भरोसे भी मत रहिए, बिल्कुल। जगह का मैं एक ऐड करना चाहूंगा, बिल्कुल बिल्कुल, बोला नहीं, गाले के अंदर कभी भी घोड़े को अगर आप कर रहे हो, हाँ, गाले में रख देंगे, हाँ, हमारा एक दुकान है, दुकान में हो जाएगा, तो ऐसा होता नहीं है, हाँ, घोड़े को हमेशा खुला एटमोसफेयर, बिल्कुल बिल्कुल, ये एक चीज का ध्यान रखें, बिल्कुल। अभी मैं आपकी बात थोड़ी सी और ये करता हूँ, अभी लास्ट वीक में मानेश फार्म पर गया था पंडरपुर, शायद आपने वीडियो भी देखी, हाँ, थी, तो मुझे, मैं हर बंदे के पास में जाता हूँ, तो कुछ एक चीज़ ऐसी मैं वहाँ से लेके जाता हूँ ताकि मैं खुल के शेयर करूँ कि उनके नाम के साथ में, तो उन्होंने मुझे एक बात कही थी कि विशाल भाई बोले, मैं किसान आदमी हूँ, चाहे तो मैं, मेरे पास इतने भी पैसे कि मैं इटालियन मार भी और सोने की ठान या चांदी की ठान भी, लेकिन घोड़ों को समझ में नहीं आएंगे कि इटालियन लगाया या चांदी की, लेकिन घोड़ों को आप अगर एक खुला इन्वायरमेंट देंगे तो घोड़े की सेहत जो है, और जो ज़्यादा घोड़े एक स्टेबल में थे तो उनका जो बॉन्डिंग है वो भी अच्छा रहता है, तो ये उन्होंने बात की थी कि आपका दिखावा होगा पैसे से तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो प्रॉपर घोड़ों को जो चीज़ चाहिए ना वो आप उनको देंगे तो घोड़े काफ़ी खुश रहेंगे। तो उन्होंने ये भी बात की थी कि जैसे बहुत लोग बोलते कि सबसे पहले खाना, फिर ग्रूमिंग, और फिर लास्ट में एक्सरसाइज, तो उन्होंने इस बात को थोड़ा सा अलग तरीके से कहा, उन्होंने कहा सबसे पहले एक्सरसाइज जो है वो घोड़े के लिए इम्पोर्टेंट है, उसके बाद में ग्रूमिंग, और लास्ट में खाना आता है, तो वो बना ही भागने के लिए, बिल्कुल बिल्कुल, तो आप तो उसको भगाओगे नहीं, आप उसको थकाओगे नहीं, तो बिल्कुल बिल्कुल मतलब ही नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे कि आपने पूछा था कि आगे का क्या है, हाँ, हाँ। आगे का बस हम लोग यही बोलेंगे कि अगर कुछ करने का था, हाँ, हाँ। तो शुरुआत तो हम लोग काठियावाड़ी से ही करेंगे, अच्छा, और न्यू कम लोगों से करेंगे, हाँ, हाँ। अगर करना होगा तो हम ऐसा कुछ करेंगे कि जिससे चार लोगों को फायदा हो, किसी के पास घोड़ा है उसके रखने के लिए जगह नहीं है तो उसके लिए स्टेबल अवेलेबल हो जाए, ऐसा अगर करने का होगा तो सोचे तो, हाँ हाँ, ऊपर वाले का अगर आशीर्वाद रहा, नहीं नहीं, तो बिल्कुल, आपके जो विचार है वो काफी पॉजिटिव लगे, और आपको पॉजिटिव लोग मिले, यही मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ, आगे आगे ज्यादा से ज्यादा आप घोड़ों को, मतलब ठीक है कमर्शियल आपका हेतु नहीं है, लेकिन लोगों का शौक बढ़े, क्योंकि बम्बई एरिया में घोड़ों पालना मुश्किल बात है, बहुत मुश्किल है, और आपके जैसे अगर कुछ टेबल की व्यवस्था कर लेंगे तो आने वाले जो नए लोग हैं उनका भी शौक पूरा होगा, वो थोड़ा बहुत समय स्पेंड करेंगे और आपका भी काम हो जाएगा उसमें। अभी आप जिस सिटी में हो ना, अंबरनाथ सिटी है, हाँ, अंबरनाथ गांव ही पड़ता है, हाँ, शहर दोनों पार्ट है उसको, कल्याण के नियर बाई है, हाँ, इसी सिटी में आपको इतने सारे लोग हैं, हाँ, लोगों से इंटरेक्शन होती है, परमिशन लेने के बाद तो बहुत सारे लोगों से, बिल्कुल बिल्कुल, लोग रुक के पूछते हैं कि आपके पास घोड़ा कहाँ से आया, हाँ, हाँ, कहाँ से लिया आपने, बिल्कुल, रखते कहाँ हो, कैसे कैसे उसकी ग्रूमिंग करते हो, शौकीन लोग बहुत है सर, बिल्कुल, शौक की कमी नहीं, बिल्कुल कमी है, तो प्रॉब्लम्स की जगह, जो जगह जगह के और एक्सपीरियंस की, लोग थोड़े डरते हैं, तो वही है, अगर
नए लोगों के, हम लोग तीनों नए लोगों के थोड़ा भी काम में आए ना, मतलब उनके लिए हम लोगों ने स्टेबल अवेलेबल करके दिया, घोड़ा संभालने की जगह अवेलेबल करके, तो हम लोग समझ लेंगे कि नए लोगों का शौक हम भी पाल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो यही कहूंगा भाऊ कि हमारा फ्यूचर में यही सोचना है, अगर सही से सब कुछ रहा तो जो एक्सपीरियंस हमने किया है जगह के लिए, न्यू कमर्स के लिए भी हम वैसी कुछ अवेलेबिलिटी कर देंगे कि हम कुछ टेबल्स वगैरह या हम जगह लेकर ऐसा कुछ कर देंगे अवेलेबिलिटी, जो आकर लोगों को जिनको प्रॉब्लम हो रही है रखने के लिए वो आकर यहाँ पे भी रख सकते, बिल्कुल कोई उनको दिक्कत नहीं होगी, और वैसे ही मतलब वो जब चाहे तब आके, बिल्कुल जैसे आपके घोड़ा आप संभालेंगे वैसे उनके भी संभालेंगे, बिल्कुल इससे होगा ये ना कि इससे होगा ये कि जो एक्सपीरियंस हम लोगों ने किया, हाँ हाँ हाँ, जो गलत चीजें हमें देखनी पड़ी क्योंकि हम लोगों के पास वो चीज नहीं थी, जगह होगी, बहुत सारी चीजें होगी, बहुत सारी चीजों की कमी थी, स्टडी तो बहुत कर ली, लेकिन एक्चुअल में घोड़ा आने के बाद कुछ अलग एक्सपीरियंस, बिल्कुल बिल्कुल प्रैक्टिकल बहुत अलग, खुद एक्सपीरियंस करने में बहुत फर्क होता है, बिल्कुल, बिल्कुल, तो वही चीजें उनको फेस ना करने में, हाँ हाँ, नए लोगों को, तो नए लोगों का शौक उसी वजह से मरता है, पहले चीज तो इस वजह से मरता है कि काठियावाड़ी लो मत गरम को ले, मारवाड़ी लो लेकिन उसकी प्राइस बहुत, प्राइस बहुत ज्यादा, तीसरी बात घोड़ा लेने के बाद उसको रखने के लिए जगह ही नहीं, सही बात, इसीलिए भाऊ आपके माध्यम से हम जो मैसेज देना चाहते हैं कमर्स के लिए कि यही होगा कि आप सोचिए समझिए कि आप कर सकते हैं, टाइम दे सकते हैं जगह तो के साथ में तो लीजिए, और लेने से पहले कहीं जाकर किसी को मिलकर ना लीजिए, पहले खुद घूमिए, शो क्या होते हैं, लाइन किसे कहते हैं, क्योंकि लाइन बोलकर बेचने वाले आपको बना देंगे, वो मत कीजिए, आप पहले घूमिए, आपको पसंद आए तो फिर वो चाहे लाइन का हो या ना हो, पसंद आए ले लीजिए, तो यही कहूंगा, बिल्कुल। और आपकी एक मेरे को बहुत अच्छी लगी, शायद ये मैसेज भी अच्छा जाना चाहिए, जिससे अगर तीन चार लोगों का शौक है, तो जैसा हम गाड़ी में आते आते भी बात करते हैं कि तीन चार लोगों का अगर शौक हो ना, तो उन्होंने शायद एक घोड़े से भी कर सकते हैं, पूरी सकते, क्योंकि चार शो बंदे हैं, चार घोड़े लेने से अच्छा एक घोड़े से उनका शौक हो सकता है, खर्चा कम हो जाएगा, उसको ज्यादा समय दे सकते, चार बंदे चार समय पे आ जाएंगे, तो घोड़े का भी अच्छा रहेगा, तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये एक आइडिया अच्छी हो सकती है, नए लोगों को तो यही करना चाहिए, मैं तो बोलूंगा नए लोगों को, जैसे आप बड़ी सिटी में रहते हो ये तो सबसे बढ़िया ऑप्शन है, पहली बात तो उसके लिए जो इमोशनल अटैचमेंट होती है ना घोड़े की, वो बढ़ जाती है, बिल्कुल, मेरा भी घोड़ा, इसका भी घोड़ा, उसका भी घोड़ा, तो हर कोई अपना समझ के करता है उस घोड़े के लिए, तो फायदा किसको है, घोड़े को, घोड़े नहीं पड़ता किसने लिया, हाँ। क्या लिया है, प्यार है, और एक और उसमें मैं एक ऐड करूँ कि जिसका घोड़ा रखना भी कुछ छोटी मोटी बात नहीं, कि उसका भी खर्चा है, तो है। उसको अगर चार डिवाइड में करेंगे तो एक पर लोड भी नहीं आएगा, ये सबसे बढ़िया बात हो जाएंगे, और घोड़ा भी अच्छा खाएगा, जहाँ पे हम 10 रुपए की चीज खिला वहाँ पे 20 की खिलाने में और मजा आएगा, और घोड़े को भी वो हेल्थ को अच्छा रहेगा, डाइवर्ट हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है बात। तो भैया आप तीनों ने जो बिल्कुल एक अच्छे मज़ेदार इंटरव्यू दिया, मेरे को तो पर्सनली इतने दूर आकर जो मज़ा आया पर्सनली वो बहुत अच्छा लगा, शायद दो तीन और घोड़े रहती तो और ज़्यादा वीडियो आपने बनती थी, लेकिन एक ही घोड़े के साथ में आपने तीनों ने जो आधा आधा घंटे के हमारे पार्ट हुए शायद, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस दिया, और मैं मेरे चैनल की ओर से और सब्सक्राइबर से यही शुभकामना करूँ कि आपका जो शौक है वो ऐसे बरकरार रहे, और आपके आने वाले जो आपके जो विचार है, जो आप स्टेबल बनाने का विचार करें, वो आपका सक्सेस हो, यही मैं शुभकामनाएं करता हूँ, और आगे भी कभी भी ऐसा सेवा का मौका मिले तो जरूर याद करना, मैं जरूर आऊंगा आपके साथ, आपको भी हमारी तरफ से तो हम आपके सब्सक्राइबर हैं, हम आपको बहुत स्टार्टिंग से ही फॉलो कर रहे हैं, धन्यवाद आपका, धन्यवाद, सारे वीडियोस देखते हैं, हमें भी अच्छा लगा कि है कोई जो मतलब हक से बोल सकते कि हमारे चलो दादा ये कि कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, प्लेटफॉर्म पे नहीं नहीं अच्छा है, अभी आप सभी जैसे आप जैसे लोगों का आशीर्वाद है, प्यार सपोर्ट के कारण आप इन 15 दिनों में मेरे को पास इतने फोन आए हैं फार्म विजिट के लिए कि अभी मुझे डेट लेनी पड़ रही है कि कहाँ जाऊँ मैं, तो ये सब आपका श्रेय है, आप देखेंगे तो ही ये सब सक्सेस होता है, बाकी तो कुछ नहीं, बाकी यही शुभकामनाएं करूंगा कि आप और आगे बढ़े और नए लोगों को आपके जो एक्सपीरियंस हो ज्यादा से ज्यादा शेयर करके उनको भी आप इन्वॉल्व करिए, लोगों को एक चीज और बताऊंगा, बिल्कुल बिल्कुल, कि यूट्यूबर्स के रेट बहुत बढ़ गए, हाँ हाँ, यूट्यूबर्स बहुत महंगे हो गए, हाँ हाँ, तो स्पेशली हमारी तरफ से आपको धन्यवाद कि आप बस हमारे एक कॉल पे हमारे लिए इतने दूर अवेलेबल हो और आपने और इतनी हेल्प की, मैं 5 महीने की वीडियो बना, मैं बहुत सारे वीडियो में मैं कहता हूँ कि जैसा लोग प्रतिनिधि को चुन के देते, जैसे नगर सेवक को लोग चुन के देते, खासदार आमदार का, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसका मतलब मुझे ईगो नहीं बोल सकता, लेकिन मैं
मेरे को सेटिस्फेक्शन होता है कि भगवान ने इस काम के लिए मुझे चुना है। सर, ये महाराष्ट्र में शायद कोई यूट्यूबर नहीं है, मैं हूँ। मेरे से पूरा समय नहीं दिया जाता है, लेकिन जितना देता हूँ मैं बिल्कुल प्रैक्टिकली और मनोभावे पूरी मेरी सेवा रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले। मेरे चैनल पर कभी कॉन्ट्रावर्सी चीज़ें या फालतू की चीज़ें नहीं कभी मिलेंगी, आगे भी नहीं देखने को मिलेंगी, पीछे भी नहीं थी आगे भी नहीं। हमने आपको फोन किया, हाथ से फोन किया, बिल्कुल बिल्कुल, एक फोन पे हम जैसे न्यू कमर लोगों के लिए अवेलेबल होना, बिल्कुल इतनी दूर हमारे लिए अंबरनाथ, हाँ 300 किलोमीटर पड़ता है, इतनी दूर हमारे लिए आना, हम तीनों की ओर से और स्पेशली हमारे पद्मिनी की ओर से आपके लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू बहुत बड़ा थैंक यू, आपने आपका टाइम दिया। नहीं नहीं बस आपका पद्मिनी के लिए, बिल्कुल नहीं नहीं बिल्कुल, घोड़ों के लिए हमारा काम है, सारे यूट्यूबर उनका सभी अच्छा काम कर रहे हैं, वैसे कोई सब राज्य के यूट्यूबर अच्छा ही काम कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र के लिए मैं काम कर रहा हूँ, तो मेरा सौभाग्य कि मेरा आपने मुझे बुलाया, और फिर से एक लास्ट टाइम फिर से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, और आपके आने वाली पद्मिनी अच्छा बच्चा दे, ये भी आपको एक एडवांस बधाई में देता हूँ। थैंक यू जल्दी गुड न्यूज आएगी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप तब भी आओ, अगर 3-4 महीने के बाद में अगर बच्चा हो जाए तो उसकी वीडियो बनाने भी आ जाएंगे फिर से। आपको भी शुभकामनाएं, और केशव सर आदित्य भाई उनको भी बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं खुद पर्सनली बोलूंगा कि थैंक यू सो मच केशव दादा और आदित्य दादा, बिल्कुल थैंक यू, आपके वजह से आपके सपोर्ट करने की वजह से आज इतनी अच्छी क्वालिटी की बिल्कुल हमारे पास, जैसे हमने कहा चेतक फेस्टिवल में ये विनर भी रहे और एंडोरेंस में भी शायद अपना ये बात भूल गया अपन, एंडोरेंस में भी शायद चेतक फेस्टिवल सारंगखेड़ा की एंडोरेंस में भी ये विनर रहे चुके 2021 या 18, अच्छा ईयर नहीं पता, पर ये विनर रह चुकी है और बेस्ट क्वालिटी की है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये लाइन की, ये प्रॉपर वही लाइन की है, ऐसे नहीं है, गाइड किसी को नहीं करूंगा, ना ही केशव दादा ने हमको वैसे इन्फॉर्मेशन गलत दी, जो है एग्जैक्टली बोला, बिल्कुल विद बेस्ट क्वालिटी आपको मिला है, और ये हम तीनों का भी ये था, ब्लड लाइन हमें और चैंपियन और वैसा खून कुछ नहीं चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, सबने बोला बाबा ये ऐसी घोड़ी है, मुझे कुछ आता पता है नहीं, हाँ आप लेके चाहिए, मैं बोलूंगा ये घोड़ी तुम लोगों के लिए, बिल्कुल। और एक बात और ऐड करूंगा मैं इसमें लास्ट की बात, अपने घर की सबसे प्यारी चीज किसी और के हाथ में सौंपा देना, ये उसके लिए भी बहुत बड़ा कलेजा लगता है, ये कोई नहीं दे सकता, घर के बच्चे हमने किसी को दे सकते जितना प्यारा है। आज मेरे को भी स्वरूप के बारे में बहुत बोलते कि देना है कि देना है, कि मैं नहीं दे सकता क्योंकि उसके पीछे मेरी मेहनत भी लगी, उसका इतना मेरा उसके साथ मेरी बॉन्डिंग बन गई, तो नहीं, और दादा ने ये दी, उनका बहुत बड़ा दिल बोल सकते हम, और अच्छी चीज आपको दी है, बिल्कुल घोड़ा फैमिली मेंबर ही घोड़ा लाइन में, बिल्कुल लाइन में आप किसी से घोड़ा लेते हो, बिल्कुल लेके लेने के बाद आपको उतना छोड़ दो, आप किसी के पास घोड़ा लेने के लिए फोन करते हो, 2 साल आप उस बंदे से घोड़ा ही नहीं लेते, उस बंदे से तो लेने की बात ही नहीं हुई थी पहले, सिर्फ एक्सपीरियंस शेयर कर, 2 साल आपको एक्सपीरियंस देना, आपको इतना एंटरटेन करना, बिल्कुल उसके बाद अपने घर की मेन चीज दे देना, बच्ची देना, हाँ। आपने जिसको बच्ची की तरह पाला है वो चीज आपको देना, बिल्कुल उसके बिल्कुल। बाद भी आपको गाइडेंस करते रहना, इसके लिए बहुत बड़ा बल लगता है, सही जो इंसान के पास, बिल्कुल इसलिए हम भी वही कोशिश करते हैं जो केशव दादा के पास जैसी थी, हाँ। वैसे ही उसको हम भी बिल्कुल बिल्कुल जैसे उन्होंने हमें सपोर्ट किया, वैसे हम किसी के लिए बिल्कुल, यही मैं बोलने वाला था कि आप नए लोगों को ऐसा ही सपोर्ट किया, उनका मोरल जो है वो डाउन नहीं होना चाहिए, चाहे आप वो घोड़ा ले या ना ले, लेकिन उनको अच्छी पॉजिटिव बातें बताएंगे तो भविष्य में बिल्कुल आपसे जरूर कांटेक्ट करेंगे वो, जरूर, जरूर, जरूर। चलो ओके भैया, थैंक यू धन्यवाद।